हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट टाइम. हमने पढ़ा था रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में, और हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. ठीक, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और दूसरा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक, ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपने. देखो सबसे पहले बात आती है लेमा और एल्गोरिथम की, ये होता क्या है. देखो मैं आपको बोलूंगी कि सबसे पहले मैं बोलूंगी लेमा. लेमा क्या होता है? लेमा हमारे पास क्या होती है? प्रूवन स्टेटमेंट होती है. क्या होती है ये? प्रूवन स्टेटमेंट हमारे पास होती है जिसको हम यूज करते हैं. प्रूवन स्टेटमेंट होती है जिसको हम यूज करते हैं कोई दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, उसे हम लेमा कहते हैं. उसके बाद बात आती है एल्गोरिथम की. एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है? ये होता है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स. सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स यानी एल्गोरिथम जो हमारे पास होता है ये हमें स्टेप्स बोलता है कि किस तरह से आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ये हमें स्टेप्स देता है कि किस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे. तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ये एक ही चीज़ दोनों है. लेमा हमारे पास प्रूवन स्टेटमेंट होती है जो यूज़ करते हैं हम टू सॉल्व द अदर स्टेटमेंट, टू प्रूव करने के लिए, दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए. ठीक, और एल्गोरिथम जो है वो हमें बताता है, सीरीज देता है हमें, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स हमें देता है, एक प्रोसीजर हमें बताता है कि किस तरह से आपको एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है. ठीक, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? लेमा के बारे में पढ़ेंगे. ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है इसके बारे में पढ़ेंगे. इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एचसीएफ जो है दो नंबर्स का निकालते हैं, किस तरह से एचसीएफ हम दो नंबर का निकालते हैं वो हम देखेंगे इस चैप्टर में. देखिए अगर आप इसे लिखना भी चाहें, नोट करना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप लिख सकते हैं कि लेमा आपके पास जो है इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट. इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट which is used to prove other statement. ठीक, और algorithm के बारे में भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि algorithm जो हमारे पास होता है it is a series of well defined steps डेट गिव अ प्रोसीजर, जो हमें एक प्रोसीजर देता है फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम आपके पास होगी, कोई क्वेश्चन आपके पास होगा, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से जो स्टेप्स हमारे पास यूज होंगे वो एल्गोरिथम हमें बताता है. ठीक, अगर आप इसको नोट करना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं. ठीक, देखो अब जो लेमा हमारे पास होता है इसमें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम इस लेमा का यूज करेंगे किस चीज के लिए? एचसीएफ जो है जब हमें दो नंबर्स का निकालना हो उसको, उसके लिए हम इस लेमा का यूज करेंगे. ठीक, और एल्गोरिथम जो हमारे पास है ये क्या देगा? ये हमें स्टेप्स देगा कि एचसीएफ जो आपको निकालना है दो नंबर्स का, कौन कौन से स्टेप्स आपके पास है जो आप यूज करोगे. ठीक, अब देखो अब आपके पास बात आती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. लेमा तो मैंने आपसे कहा कि एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है. अब बात आती है डिवीजन की. तो डिवीजन का मतलब वही जो हम बहुत सालों से डिवाइड करते आ रहे हैं, बचपन से हम डिवीजन का प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, ये वही लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं. जैसे कि हम करते थे 7 को करो डिवाइड 2 के साथ. ठीक, तो हम क्या करते थे, 7 को अंदर जो बड़ा नंबर होता था उसको हम अंदर लेते थे और डिवाइड करते थे छोटे नंबर के साथ. हम पढ़ेंगे 2, 3, 6, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 1. ठीक, या हमारे पास और कोई नंबर दिया होता था कि 10 को डिवाइड करो 5 के साथ, हम करते थे 5 2 10, तो रिमाइंडर बचता था हमारे पास 0. ठीक,
तब फिर हम क्या करते थे, हम नाम देते थे इन सारे नंबर्स का। क्या नाम देते थे? जो अंदर वाला नंबर होता था इसे हम कहते थे ये हमारा डिविडेंड। जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं हम उसे बोलते हैं ये है डिवाइजर। ये वाला नंबर जो है इसे हम कहते थे कोशेंट। और जो लास्ट में हमारे पास बचता था इसे हम कहते थे ये है हमारा रिमाइंडर। ठीक है ना, यही कहते थे ना, यही नाम हम इसे देते थे। फिर हमें कहते थे हम जी आप चेक करो कि आपने ये जो डिवीजन की है आपने ये ठीक है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम क्या करते थे, हम कहते थे कि डिविडेंड जो है वो बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, फिर हम क्या करते थे, फिर हम वैल्यूज पुट करते। डिविडेंड क्या है यहाँ पे, डिविडेंड 7 इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 2, मल्टीप्लाई करेंगे कोशेंट के साथ कितना है 3, प्लस कर देंगे 1, तो कितना आया 2 3 6 प्लस 1 7 आया ना बराबर डिविडेंड। जब हमने फार्मूला लगाया तो ये डिविडेंड जो है पूरा इस चीज के बराबर आ गया। तो ये है हमारा डिविजन प्रोसेस। ठीक, अब क्या हुआ, ये जो यूक्लिड है ये एक मैथमेटिशियन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन चीजों पर गौर किया। इन्होंने जब देखा कि डिविजन हम जो करते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा रिमाइंडर है, जो हमारा रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर या तो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, या तो जीरो से बड़ा आ रहा है, या ये रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है, जीरो से कम आ रहा है, बराबर आ रहा है, सॉरी इज इक्वल टू जीरो, या तो जीरो से बराबर आ रहा है, या ये रिमाइंडर जो है ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, लेस देन डिवाइजर, या क्या है, डिवाइजर से छोटा है। देखो तीनों चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये रिमाइंडर है ना यहाँ पे क्या है, जीरो से बड़ा, यहाँ इस केस में हमारे पास क्या है, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे भी दोनों केसेस में आप देख सकते हो कि रिमाइंडर हमारे पास क्या है, वो कम है किससे, डिवाइजर से। यहाँ पे ये वन आया तो वन छोटा है ना टू से, यहाँ पे जीरो है तो वो छोटा है फाइव से। तो ये चीजें जो है क्या की, यूक्लिड ने ऑब्जर्व की, और ऑब्जर्व करने के बाद जो है उन्होंने क्या है, एक लेमा दिया और उसका नाम रखा यूक्लिड्स डिविजन लेमा। ठीक, और फिर उन्होंने बताया, इसी के बारे में बताया इसके बारे में क्या बताया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इन्होंने क्या, एक लेमा दिया, लेमा में इन्होंने बोला कि क्या है कि अगर आपके पास कोई दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, अगर ए एंड बी आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं, लेकिन इंटीजर्स होने चाहिए दोनों पॉजिटिव। ठीक, अगर आपके पास दो ही कोई भी दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, और दोनों क्या है पॉजिटिव, यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आपके पास है, तो यहाँ पे क्या है, देयर एग्जिस्ट टू होल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास दो होल नंबर्स और एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर, दो होल नंबर और एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर, जो कि एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और वो कंडीशन क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखो इतनी खतरनाक स्टेटमेंट ये क्या है, हाँ अब इसको देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमें पीछे पढ़ा कि डिविडेंड हमारे पास होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये वही चीज है, लेकिन इन्होंने इसको अपनी तरह से एक कंडीशन के फॉर्म में हमारे पास लाया। ठीक, अब यहाँ पे ये ए क्या है, ये ए हमारे पास है डिविडेंड, ये बी क्या है, ये बी हमारे पास है डिवाइजर, क्यों क्या आपके पास है आपका कोशेंट, और आर क्या है, आर है हमारा रिमाइंडर। देखो यही पढ़ा ना हमने कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक, तो ये चीज जो है यही ये यूक्लिड डिविजन लेमा हमें कहता है। तो अब हम इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यूक्लिड डिविजन लेमा जो है ये क्या कहता है, ये कहता है If A and B are any two positive integers, then there exists two whole numbers, Q and आर सेटिस्फाइंग
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। फिर साथ में इन्होंने ये भी बोला कि जीरो इज लेस आर इक्वल टू आर विच इज लेस देन बी, ठीक। आर जो है वो क्या होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा, या आर जो हमारे पास क्या है वो होगा बी। बी क्या है, यहाँ पे बी है डिवाइजर, यानी डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। अच्छा, अब बात आती है एल्गोरिथम की। ये एल्गोरिथम जो हमारे पास जो है, अब ये एल्गोरिथम हमारे पास जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये हमें स्टेप देगा, ठीक। क्या स्टेप देगा, देखो अब ये हमें बताएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। अगर आपके पास जो है कि 45 को आप डिवाइड करो 6 के साथ, तो आप क्या करोगे, 6 का टेबल पढ़ोगे, है ना। या तो 45 के बराबर आना चाहिए या 45 से छोटा, तो हम करेंगे 6 × 42 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, ठीक। या हम दूसरी कोई एग्जांपल लेंगे जिसमें मैं लिखूंगी 15 को डिवाइड कर दो 3 के साथ, 3 × 5 = 15, तो 15 − 15 कितना आ गया 0। देखो हमारे पास दो केसेस आ गए, एक केस में हमारे पास क्या है रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, 3 आया, एक केस में हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमें क्या है, डिवाइड जो है वो तब तक करते जाना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए। देखो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, ठीक। और डिवाइजर किसको लेते हैं हम, डिवाइजर सॉरी रिमाइंडर, ये HCF जो हम जब निकालेंगे, मैंने कहा कि HCF हमें दो नंबर्स का निकालना है जिसे 3 और 15 का, तो इस केस में जो हमारे पास HCF होगा वो 3 होगा। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो HCF आपके पास क्या आएगा, जो भी डिवाइजर आपके पास होगा। अब इस केस में हमारे पास क्या है, रिमाइंडर तो 0 नहीं हुआ। अब हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो हमें स्टेप्स देखा कि किस तरह से अब आगे जो है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरह से आप इसे आगे बढ़ाएंगे और हमारा रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 हो जाएगा। देखो अब हमारे पास क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यह हमें आप स्टेप्स बताएगा कि किस तरह से आपने, अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप सॉल्व किस तरह से करोगे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड क्यू एंड आर, यानी कोई भी दो नंबर हमारे पास दिए होंगे जिनका ICF हमें निकालना है, तो हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को ताकि हमारा क्वेश्चन और हमारा रिमाइंडर जो है वो दोनों निकल जाए, ठीक। जबकि आपके पास किस तरह से निकालोगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये तो अभी मैंने आपको समझाया, वेयर जीरो इज लेस इक्वल टू आर विच इज लेस देन बी। सेकेंड केस में हमें क्या करना है, सेकेंड केस में हम देखेंगे, अभी मैंने आपको एग्जांपल में बोला अगर आर आपका जीरो आ गया, अगर आर आपका जीरो आ गया उस केस में HCF आपके पास जो है वो आपके पास क्या होगा, आपका बी। तो ये बी क्या है, ये बी है आपका डिवाइजर, ठीक। हाँ, अब तीसरा है, तीसरा केस ये बोलता है कि अगर आर आपके पास जीरो नहीं आया, अगर आर आपके पास जीरो नहीं आया तब आप क्या करोगे, तब हमने अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा को किस पर, टू बी एंड आर, यानी अगर हमारे पास जीरो नहीं आया तब हम फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है अप्लाई करेंगे किस पर, दो नंबर्स पर। वो दो नंबर्स हमारे पास कौन से होंगे, एक बी आपके पास होगा, बी आपके पास क्या होगा डिवाइजर, और आर आपके पास रिमाइंडर, और तब तक हमें करते जाना है जब तक हमारे पास हमारा रिमाइंडर जो है जीरो ना आए। कंटिन्यू करते जाना है हमने द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज जीरो, तब तक कंटिन्यू करते जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, ठीक। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी। देखो एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दी, अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे एचसीएफ निकालना है 15 एंड 3 का। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिविडेंड क्या लेंगे, डिविडेंड हम तो हम हमेशा बड़ा नंबर लेते हैं और डिवाइड करते हैं छोटे नंबर के साथ। तो ये कितना आएगा, 3 5 15 माइनस 15 कितना हो गया, 0। तो इस केस में हमारा आर क्या हो गया, इक्वल टू 0। अब हमारा एचसीएफ जो हमारे पास होगा, अभी मैंने आपको कहा कि आर रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा तो एचसीएफ जो दो नंबर्स का हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर। यानी बी आपके पास क्या था, आपका डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 3, यानी 3 जो है ये क्या आ गया, इसका एचसीएफ दो नंबर्स का आ गया। ठीक, अच्छा, अगर आपके पास अब ऐसा नंबर हम लेंगे जिसमें हमारे पास हमें स्टेप्स करने होंगे, मैं जैसे निकालूंगी कि जैसे एचसीएफ हमें करना है दो नंबर्स का, जैसे 125 और 45 का। इस केस में हम क्या करेंगे, देखो 125 डिविडेंड हमारा और 45 आएगा हमारा डिवाइजर। ठीक, अब हमें क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं किसके साथ करूंगी, 45 टू जार 90, ठीक है, 3 के साथ ज्यादा हो जाएगा, तो माइनस करके कितना आएगा, 5 माइनस 0 5, 12 माइनस 9 तो बचा 3, आ गया 35। देखो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइड, ये रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, स्टेप, अगला स्टेप हमें क्या करना है, हमने कहा कि अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया फिर हमें क्या करना है, अप्लाई करना है यूक्लिड डिविजन लेमा, किस किस पर, एक हम रिमाइंडर पर और दूसरा डिवाइजर पर। अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जो हमारे पास है, इस रिमाइंडर को हम डिवाइजर बना देंगे और डिविडेंड जो है वो बना देंगे किसको, 45। यही तो पढ़ा था ना हमने, बी पर, आर पर और बी पर जो है अप्लाई करेंगे। आर हमारे पास क्या था, रिमाइंडर, बी क्या था, डिवाइजर। अब हमारे पास क्या है, 35 हमारा क्या बन गया, 35 बन गया डिवाइजर, और 45 जो हमारे पास पहले डिवाइजर था अब वो डिविडेंड बन गया। अब फिर से 35 का टेबल पढ़ेंगे, 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10, फिर भी 0 नहीं आया। फिर से अप्लाई करेंगे हम यूक्लिड डिवीजन 10 और 35 पर, 10 तो हमारा डिवाइजर बन गया, 35 बनेगा हमारा डिविडेंड। फिर 10 के साथ हम 10 का टेबल हम पढ़ेंगे, 10 थ्री जार 30, अब क्या आएगा, 5 माइनस 0 यहाँ पे 5 बचा। ठीक, अभी भी हमारे पास हमारा रिमाइंडर जो वो 0 नहीं हुआ। अब अप्लाई करेंगे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा किस किस पर, 5 और 10 पर। तो अब हम क्या करेंगे, अंदर डिविडेंड हम किसको लेंगे, 10 के साथ। 5 का टेबल करो, 5 वन जार 5, 5 टू जार 10, अब हमारे पास हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 0 आ गया। अब इस केस में हम क्या देखेंगे, हम लास्ट स्टेप देखेंगे। लास्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमारा बी जो है, यानी हमारा डिवाइजर जो है वो क्या है। देखो लास्ट कितने स्टेप आए, 1 2 3 4, यानी 4 स्टेप इसमें आए हमारे पास आए, ठीक है। तो चौथे स्टेप में जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें हमारा डिवाइजर जो है वो क्या आ गया, वो आया 5। इसका मतलब एचसीएफ जो हमारे पास है 125 और 45 का, वो किसके बराबर आया, वो हमारा 5 के बराबर आ गया। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया। होप आपको समझ आया होगा कि ये वही लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, बस सिर्फ थोड़ा कंडीशन हमें देखनी है कि क्या क्या कंडीशन इसमें है, वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो हमारा डिवाइजर होगा, अगर नहीं हमारा रिमाइंडर 0 है, किस तरह से हमें स्टेप्स लेने हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए। ठीक, अब एक क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, आप मुझे बोलेंगे एचसीएफ जो है 135 और 225 का क्या है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं इसका आंसर, इन दो नंबर्स का एचसीएफ जो है वो क्या होता है। तो होप आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।